खुशामदीद, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप लोग सब इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ये है बच्चों का सेगमेंट, और इसको स्पॉन्सर किया है टेस्ट लैंड ने, और हम सुनते हैं बच्चों की प्यारे प्यारे किस्से, और क्योंकि स्पेशली जब बच्चों की रोज़ा खुशाई होती है तो इस वक्त हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है और इनका नाम है बुरहान। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, रोजा लग रहा है मेरे बेटे को? जी। थोड़ा थोड़ा जी। तो रोजा रखा कहाँ था, अलमारी में या फ्रिज में? फ्रिज में रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा बड़ा मजा आता है। फिर क्या करे आज भाई, फ्रिज खोल के तोड़ दे? नहीं नहीं, अरे अरे बच्चे थोड़ा सा सबर कर जाए, आधे घंटे की तो बात है, थोड़ा सा नहीं नहीं तोड़ देते। अरे नहीं, तो इसका तो घर बहुत दूर है ना, तो फिर आप जाओगे फिर रोजा तोड़ोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ये भी है, तो फिर माफ कर देते हैं ना। अगली बार जब ये रखेगा ना और आएगा तब इसके घर जाके इसका रोजा तोड़ देंगे। ये आज बहुत शरारती है हमारा, ये क्या करते हैं जो बच्चा बोलते है ना फ्रिज में रखा, तो आप लोग ना अलमारी में रखा करो, वो फिर चाबी लग जाती है ना अच्छी तरह। अब ये अगली बात देखो, उसने सारी लाए ना अगली बार अलमारी में रखेगा। अच्छा बुरहान, आपका पहला रोजा मेरा बच्चा जी? पानी तो नहीं पिया? नहीं नहीं, लग नहीं रहा, नहीं पानी नहीं पिया, आंखें भी नम है और बिल्कुल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सो स्वीट, खुश रहो, आबाद रहो। चले जी, आप ये बताए आज आप हमें कौन सा मोटिवेशनल मैसेज दे रहे हैं और कौन सी ऐसी बात अपने किस्से में सुना रहे? आज मैं आपको शबे जुम्मे के हवाले से बताऊंगा। ओके, और एक किस्सा सुनाऊंगा, तो इजाजत है? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। और वो आपका कैमरा, वो आप बच्चे वहाँ देख रहे हैं और वहाँ जो बैठे हुए बच्चे हैं वो गौर से सुने, और वहाँ पे बैठे हुए जो वालदेन हैं अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल से बेहतर है अच्छी अच्छी किताबें ला के दें और कलरफुल उनमें स्टोरीज हों और कुछ किस्से ऐसे हों, कुछ अंबिया कराम के, कुछ अहदीसें, कुछ उनकी माएँ नमाज पढ़ते हुए, कुछ किचन में काम करते, कुछ वालदेन जब थोड़ी थोड़ी ये अटैचमेंट होगी तो बच्चे में जस्तजू बढ़ेगी, तो वो तलाश करेगा कि वो कौन सी ऐसी किताबें जिनसे मैं अभी तक महरूम हूँ, उनकी गुफ्तगू बदल जाएगी, उनका अदब एहतराम बदल जाएगा, उनकी तरबियत बदल जाएगी, वो वैसे हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आसान है मोबाइल देना। तो जब तक आपने देखा होगा ना कि जब तक सोना आग में पकता नहीं है तो वो जब तक आपको हासिल, तो आप अपने आप को अगर तकलीफ देंगे ना तो तब जाके आपके बच्चे जो है ना वो निखर के सोना बनेंगे। सोना ऐसे नहीं बनते, उसको आग में तपना पड़ता है, क्यों मुफ्ती साहब, ऐसा ही कि नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। औलाद तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक अमानत है, और अमानत की अच्छे तरीके से अगर निगहदाश्त की जाए और जिस तरह हमारा इस्लाम कहता है उस अंदाज में औलाद की अगर तरबियत हो तो ये हकीकी अमानत की हिफाजत होगा। बड़ी बात। और अगर लापरवाही की जाए तो ये अमानत में खयानत है, और वालदैन को इसकी जो है वो क़यामत वाले दिन जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो जब आपके पीछे कलाम पढ़ेंगे, आपके पीछे सदका ज़कात खैरात देंगे आपके नाम से, तो मेरा आप इतना खुश होंगे कि शुक्र है मैं कुछ अच्छा काम करके जो जिसका सवाब मुझे भी कब्र तक मिल रहा है। आप ये मत समझे कि आप अपने अमालों के साथ चले गए, ये भी आपका, कभी कभी आपने देखा कभी पत्थर उठा के आप हटा देते हैं तो किसी के लिए आसानियां पैदा करते हैं, कोई दरख्त लगा देते हैं तो ये भी सदक़े में आता है, ऐसा है कि नहीं? तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद हमारे लिए बहुत छोटी हों लेकिन आगे हमारी नीकियाँ बढ़ा देती हैं। चलिए जी, हम चलते हैं, हमारे दोनों कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, कौन है मेरे भाई, आप कौन मेरे साथ? जी बिलाल अज़ा बात कर रहा हूँ, बिलाल अज़ा खरल। कहाँ से बिलाल? सच्चल गोट से। कहाँ से? सच्चल गोट, सच्चल गोट, सच्चल गोट से। अच्छा जी जी, जी क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई आपने? अब पूछना नहीं है? अच्छा नहीं पूछना, अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं? अल्लाह, बात तो करने देते हैं उनको, ये कुछ बातें ले लिया करें, तो मुझे बड़ा दुख होता है कितनी मुश्किल से उनकी कॉल लगती है और हम बात नहीं कर सकते। चलिए बिलाल भाई, अपना पहले मैसेज दे दिया करें, वहाँ आज आप अपनी जी आप शुरू करें, आप स्टार्ट लें। जैसे कि आज की शब जो है, आज की रात जो है वो शब जुम्मा के नाम से मनसूब है, और ये रात बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस रात को शब तौबा भी कहा जाता है, शब मगफरत भी,
और शबे दुआ भी कहा जाता है। और इसी रात खुदा इंतजार करता है कि कोई आए अपने गुनाहों की माफी मांगे तो मैं उसे माफ कर दूं। खुदा इंतजार करता है कि कोई बेघर आए घर मांगे मैं उसे घर दे दूं। कोई बे औलाद आए मैं उसे औलाद दे दूं। कोई मुश्किलों में घिरा हुआ आए मैं उसकी मुश्किलें दूर कर दूं, उसे आसानियां दे दूं। कोई किसी के पास कोई बीमारी हो, कोई बीमारी में मुब्तला हो तो मैं उसकी बीमारी उससे दूर कर दूं। और साथ ही साथ ये वो शब है कि जिस शब हमारे मरहूमीन हमारे घर आते हैं और देखते हैं कि हमने उनके लिए कोई नेकी की भी है या नहीं, यानी कि तिलावत कलामे पाक पढ़ना, बेशक कलामे पाक को पढ़ना, इबादत करना, खुदा की नमाजें पढ़ना और उनको हदिया करना। और अगर आप कोई भी अपनी एक छोटी से छोटी नेकी भी उनको हदिया कर दे तो वो खुश होके जाते हैं, और अगर वो खुश होके जाएंगे तो वो आपके हक में दुआ करते हैं। और वो कि जिनके वालिदैन जिंदा है वो उनकी खिदमत करें। और जान लीजिए कि वालिदैन की नाफरमानी करना खुदा को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा एक नौजवान का। किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन हजरत अली रात की तारीखी में अपने बेटे इमाम हुसैन के साथ अपना खाने काबा के पास तवाफ कर रहे थे। उन्होंने एक शख्स की शदीद रोने की आवाज सुनी। उसने कहा, उन्होंने कहा कि जाओ हुसैन उसको लेकर आओ। मौला हुसैन लेकर आए। तब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो कहने लगा कि मौला आप मेरे हक में दुआ कीजिए, मौला आप मेरे हक में दुआ कीजिए। मौला के कदमों में गिर के कहने लगा कि आप मेरे हक में दुआ कीजिए। तब उन्होंने कहा कि अपने वालिद के पास जाओ, अपनी वालिदा के पास जाओ, उनसे कहो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करें। बेशक नजरें झुकाई, फिर कहने लगा कि मौला मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है तो उनकी कब्र पे जाओ और फिर उनसे कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करें। तो अब फिर नजरें झुकाई, रोने लगा। अब रोती हुई नजरों को रोका, आंसुओं को रोका, उठा, कहने लगा मौला शायद शायद मेरे वालिदैन मेरे हक में दुआ ना करें। अल्लाह, पूछा उन्होंने कि दुआ क्यों ना करें, तो कहने लगा मौला शायद मेरे गुनाहों की वजह से। तो पूछा गया कैसे, तेरे क्या गुनाह थे कि जो तेरे हक में दुआ ना करें। तो कहने लगा मौला जब मैं जवानी में था तो मैं जवानी के नशे में छूल था, बुराइयों में लिपटा हुआ था, बुराइयां करता था, हर वक्त बुरी हरकतें करता रहता था, हर बुरी हरकत करता था, शराब पीता था। तो बताने लगा कि एक रात मैं अपने घर पे आया, मुझे जो है शराब में मैं डूबा हुआ था, नशे में डूबा हुआ था, दिल किया कि जुआ खेलूं जो हराम है। उसके लिए कहने लगा मुझे पैसे चाहिए थे, तो बस मैं अपने वालिद के पास गया, बूढ़े थे, उनके हाथ में मैंने पैसे देखे, मैंने पैसे लेना चाहे, उन्होंने मना कर दिया, मैंने बाजू छटका, उन्हें धक्का दिया, उस जमीन पे जाके गिरे, उनसे पैसे छीन लिए। तो उन्होंने वो मुझे बद्दुआ दी कि खुदा तुझे इसका अंजाम दिखाएगा। अल्लाह, तो बस उन्होंने मुझे बद्दुआ दी, तब से मेरा ये हाल हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने उनसे बहुत कोशिश की मगर उन्होंने उस बद्दुआ को वापस नहीं लिया और अब उनका इंतकाल हो चुका है। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे रसूल खुदा ने एक इल्म दिया था, एक दुआ थी जो उन्होंने मुझे दी थी, वो दुआ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस दुआ को पढ़ो और सो जाओ, और फिर उसके बाद 10 ज़िलहज की सुबह मेरे पास आना। अब 10 ज़िलहज की सुबह वो आया एकदम तंदुरुस्त जैसे पहले था। कहने लगा मौला आपने जो मुझे दुआ बताई थी मैंने वो दुआ पढ़ी, तो दुआ पढ़ते ही मुझे अचानक से नींद आ गई, मैं सो गया, तो मैंने रसूल खुदा को देखा, वो मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने अपने हाथ मेरे जिस्म पे रखा,
मुझे शिफा मिल गई और जैसे ही उठा मैं हमेशा की तरह तंदुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। और उसके वालिद ने भी उसे माफ कर दिया और जब तक वो जिंदा रहा वो अपने वालिदैन के लिए खूब जो है वो अपना इबादतें करता, नेकियां करता, जिससे उनके वालिदैन भी खुश हुए और उसे भी माफ कर दिया सच्चे दिल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज मुफ्ती साहब क्या कहेंगे बच्चे के इस इल्म के बारे में? बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एक मुस्बत पैगाम दिया है कि ये बात तो हकीकत है कि वालदैन जो है वो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जहाँ पर अपनी इबादत को हुक्म दिया है वहाँ साथ ही वालदैन के साथ अल्लाह ताला ने हुस्ने सलूक का भी हुक्म फरमाया है। बेशक अल्लाह ताला की जात के बाद अगर बंदे पर किसी के एहसानात हैं तो वो वालदैन के एहसानात हैं। अल्लाह ताला खालिक हकीकी है और उसने हमें पैदा किया है और इस तरह हमारे दुनिया में आने का एक सबब चूँकि वालदैन भी हैं तो इसलिए वालदैन के हकूक भी कुरान ने भी वाज़ अंदाज में तफसील से बयान फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको काफ़ी तफसील से बयान फरमाया है। और वालदैन की नाराज़गी के बारे में तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप अगर नाराज़ हों तो अल्लाह ताला उस बंदे के ना फ़र्ज़ कबूल करता है ना नफल इबादत कबूल करता है। तो अगर माँ बाप नाराज़ हैं उसकी नाफरमानी की है तो उसकी कोई भी इबादत हो चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहे अल्लाह ताला उसका कोई सजदा भी अपने बारगाह में कबूल नहीं करता। माँ बाप राज़ी होंगे तो अल्लाह रसूल राज़ी होगा, माँ बाप को खुश किया होगा, उनकी खिदमत की होगी तो अल्लाह रसूल की रज़ा भी बंदे को हासिल हो जाएगी और बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बेशक कहते हैं वालदेन के आगे उफ तक ना कहो और इसी तरह जिस तरह वहाज ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, तो बिल्कुल इसी तरह है कि कितनी बार भी पूछा जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यही कहा जाता है कि पहले वालदेन के पास, पहले वालदेन, उसके बाद दूसरे, खिदमत पहले, दुआ पहले, हर चीज़ पहले वालदेन, पहले उनसे इजाज़त लो। तो वालदेन के दर्जा बहुत बुलंद है और माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। उस माँ के शिकम में आप 9 महीने रहते हैं, उससे पूछें उसकी तकलीफ़, आप एक पल भी अगर कहते हैं ना कि हम तवाज़ुन करें कि हम माँ बाप का हक़ अदा करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नामुमकिन है कि हम अपने वालदेन का हक़ अदा कर सकें। लेकिन कभी कभी बच्चों को मैंने देखा है वो ऐसा कह देते हैं कभी कभी कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये जुमला उनके दिल को चीर देता है। तो बराए मेहरबानी जितने बच्चे हैं, बेशक आप लोग ये कहते हैं कि इनका फ़र्ज़ है, तो उनका तो फ़र्ज़ है कि उन्होंने कभी आपको भूखा तो नहीं सुलाया होगा ना, कभी आपके तन के कपड़े तो नहीं ऐसे रखे होंगे कि आपके तन पे कपड़े ना हो। अपनी तरफ से अपने आप को तकलीफ़ देके मैं उस मज़दूर को कभी कभी देखती हूँ जो सिर्फ इसलिए ज़्यादा मजदूरी कभी करता कि मैं आज अपने बच्चे की कोई एक और ख्वाहिश जो अभी तक नहीं पूरी, क्योंकि मैं घर के अखराजात पूरे कर रहा हूँ, एक ख्वाहिश मेरे बच्चे ने कर दिए तो वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँ तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर लूँ। जी बात करूँगी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, छोटी ब्रेक है, बड़ी ब्रेक है जी, हेलो, छोटी सी ब्रेक, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। शहज़ाद